मैंने कहा कि जरूर कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया है, लेकिन हम सबकी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति माननीय आडवाणी जी, अटल जी के साथ काम कर चुका है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहा है, वो तेज प्रताप और तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करके अपने कद को बौना नहीं करेगा। अगर ऐसा करेंगे तो हम यही कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित, संगठन आधारित, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी होगी। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल तक, कालखंड तक, आपने देखा होगा कितने नामी गिरामी लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह चूंकि व्यक्तिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारा संगठन आधारित पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए जो इस पार्टी से जाता है उसका हश्र आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी पर उसका कोई न फर्क पड़ा है, ना आगे पड़ने वाला है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता।